जिंदल ग्रुप के साथ हाथ मिलाने के बाद एम मोटर नए फंड मिलने से उत्साहित संघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली ब्रिटिश ब्रांड देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार को नया रूप देने और बड़े पैमाने पर बाजार के उत्पादों पर बड़े फोकस के साथ टाटा मोटर्स को चुनौती देने के लिए तैयारी कर रही है वही सूत्रों का कहना है की एम मोटर ई e टू हंड्रेड सिक्सटी ईवी प्लेटफॉर्म आरोप आधारित दो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिनमें से एक फाइव डोर वाली एसयूवी और दूसरी कॉम्पैक्ट एमपीवी होने की पूरी संभावना है और खबरों की माने तो कंपनी इन दोनों ही गाड़ियों की शुरुआती कीमत पंद्रह लाख रूपए ऐसी कम रख सकती है जैसे की एम मोटर के ईवी सेगमेंट में जेड एस ईवी की अच्छी शुरुआत के साथ कुछ उतार चढ़ाव देखे गए थे लेकिन इसके बाद कॉमेट ईवी को केवल शहरों में ही कामयाबी मिल रही है तो ऐसे में दो नई ईवी गाड़ियों के साथ ब्रिटिश ब्रांड सेगमेंट लीडर को चुनौती देकर बड़ी भूमिका निभाने का लक्ष्य बना रही है वहीं खबरों की माने तो नई एम इलेक्ट्रिक एम पी एक साल के भीतर ही सड़कों पर आने की संभावना है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मॉडल को दो के अंत ऐसी पहले ही लॉन्च किया जा सकता है जहाँ ये नई इलेक्ट्रिक एम पी बुलिंग क्लाउड ईवी पर बेस्ड होगी जो फिलहाल इंडोनेशिया में बेची जाती है वहीं इस गाड़ी की लंबाई 4.3 मीटर और इसका व्हील बेस 2700 मिलीमीटर है जहां ये तीन सीट रो वाली इलेक्ट्रिक कार एक बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा आराम से कर सकती है जिसे भारत सरकार से फेम लाभ भी प्राप्त है वही कंपनी की माने तो जेड एस के साथ शुरुआत करने के बाद और उसके बाद एंट्री लेवल कॉमेट को लॉन्च करने के साथ ही एम जी मोटर चाहता है की नई एम पी वी और एस यू वी इसके पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के साथ ही लगभग पंद्रह लाख रूपए के कस्टमर बेस को साधने का है जो की आज की डेट में भारत में एक अच्छा स्वीट स्पॉट बनकर उभरा है वही दूसरी ओर फाइव डोर इलेक्ट्रिक एस यू वी के भी तीन से छह महीने के बीच में भारत में लॉन्च होने की पूरी संभावना है जहां ये एस यू वी जिमनी की तर्ज पर पांच दरवाजों वाली मजबूत गाड़ी होगी और ये आने वाली एस यू वी बावजून प्लस एस यू पर वेस्ट होगी यहाँ पर आपको बता दूं कि जिंदल की भारत में एम जी मोटर में थर्टी फाइव परसेंट की हिस्सेदारी होगी बात करो बुलिंग क्लाउड ए में मिलने वाली बैटरी पैक की तो इसमें फिफ्टी सिक्स किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जिसमे ग्राहकों को सिंगल चार्ज में चार सौ साठ किलोमीटर किलोमीटर से लेकर 505 किलोमीटर की रेंज आसानी से मिल जाती है वहीं इसकी इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस करती है 134 हंड्रेड पी की पावर और 240 हंड्रेड का टॉर्क हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से दोनों ही गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करेगी तो गाइज ये थी भारत में एम मोटर की आने वाली दो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में न्यूज अपडेट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें तो यही दोस्तों हैव अ गुड डाई